नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन अवर ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स के एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका उद्देश्य है समय बचाओ, अंक पाओ और सफलता की ओर कदम बढ़ाओ। आज का हमारा ये वीडियो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, ये शिक्षा जगत से जुड़े सभी सीखने वालों के लिए है। तो हमारे इस टॉपिक का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में समय कैसे बचाया जाए, और अगर आप समय बचा लेते हैं तो सफलता जरूर आपकी परसेंटेज को बढ़ाती है। तो चलिए, आइए एंजॉय कीजिए हमारे इस वीडियो का। हमारे इस वीडियो में आज हम सिखाने वाले हैं कम समय में क्यूब रूट कैसे पता कर सकते हैं। हाउ कैन यू फाइंड द क्यूब रूट इन वेरी लेस टाइम एंड यू गेट एग्जैक्ट आंसर विद इन ए मोमेंट। सो डियर, लेट अस स्टार्ट एंड एंजॉय द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो का आनंद उठाइए। शुरू करते हैं क्यूब रूट्स बाय इजी ट्रिक्स। सो डियर, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 1 से लेकर 10 तक का क्यूब सभी को याद होना चाहिए, और ये तो एक सामान्य सी बात है कि जो मैथ्स पढ़ता है, जो मैथ से जुड़ा हुआ है, उसे 10 तक के क्यूब तो रटे होने ही चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। सिमिलरली 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब होता है 729, और 10 का क्यूब होता है 1000। तो ये जनरली सबको याद भी होते हैं, अगर किसी को याद नहीं है तो उन्हें ये याद कर लेना चाहिए। चलिए अब हमारी शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट होती है। चलिए देखते हैं क्या शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले हमको ये याद रखना पड़ेगा कि किसी भी नंबर के क्यूब करने पर वंस प्लेस डिजिट हमें क्या मिलता है। जैसे कि हम सभी नंबरों का 10 तक का क्यूब आपको बता चुके हैं, तो एक बार हमने फिर उन्हीं को लिया। आप देखिए, ये दिस इज द मेन ट्रिक। सो डियर, आप देखिए कि अगर हम 0 का क्यूब 0 नंबर वाले किसी भी बड़े से बड़े नंबर का क्यूब करेंगे तो वंस प्लेस पर हमें 0 ही मिलेगा। इसी तरह से किसी भी बड़े से बड़े नंबर का क्यूब करेंगे जिसके वंस प्लेस पर 1 है तो क्यूब करने पर भी हमें 1 ही मिलेगा। इसी तरह से जिसके वंस प्लेस पर 2 है, यूनिट प्लेस पर 2 है, उसका अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें वंस प्लेस पर वहां 8 मिलेगा। अगर हम किसी बड़े से बड़े नंबर का क्यूब करेंगे जिसके वंस प्लेस पर 3 है तो क्यूब करने पर हमें उसका वंस प्लेस 7 मिलेगा, और इसके साथ 4 का तो 4 ही मिलेगा, 5 का 5 ही मिलेगा, 6 का 6 ही मिलेगा। और किसी बड़े से बड़े नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं जिसके वंस प्लेस पर 7 है तो उसका क्यूब हमें 3 मिलेगा, और किसी बड़े से बड़े नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं जिसके वंस प्लेस पर 8 है तो क्यूब करने पर हमें 2 मिलेगा, ठीक है, और 9 का हमें 9 ही मिलेगा। तो याद रखने वाली बात क्या है, 0 से लेकर 9 तक जो इतने डिजिट दिए हैं, 0 का सेम ही नंबर मिलता है, 1 का सेम ही मिलता है, 4 का भी 4 ही मिलता है, 5 का 5 ही मिलता है, 6 का 6 ही मिलता है, और 9 का 9 ही मिलता है क्यूब करने पर। अब हमें केवल ये 4 नंबरों का याद रखना है कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा, और इसी तरह ठीक उल्टा 8 का क्यूब करेंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है, इसी तरह 3 का क्यूब करेंगे तो 7 मिलेगा, और 7 का क्यूब करेंगे तो 3 मिलेगा। मुझे लग रहा है आपने ये याद कर लिया होगा, 2 ही नंबर तो याद करने हैं, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 8 का क्यूब करेंगे तो 2, 3 का क्यूब करेंगे तो 7, 7 का क्यूब करेंगे तो 3 वंस प्लेस पर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को। हमारे क्वेश्चंस का दूसरा ट्रिक ये है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया हो उस क्वेश्चन को 2 भागों में बांटेंगे। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि आपके वंस वन फर्स्ट पार्ट में 3 डिजिट होने चाहिए, और सेकेंड पार्ट में बचे हुए जितने भी डिजिट हैं वो आप पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी नेसेसरी कंडीशन, नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और आप देखते ही देखते उसका आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है 512 का क्यूब रूट पता करना है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512। तो देखिए, मैंने वो किया,
इस नंबर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट में जैसा कि मैंने बताया कि थ्री डिजिट होना कंपलसरी है, लेकिन अब सेकेंड पार्ट के लिए कोई डिजिट बचा ही नहीं, तो हमने वहां जीरो पुट कर लिया। और जीरो का क्यूब करने पर आप जानते हैं जीरो ही मिलता है, और टू का क्यूब अभी मैंने बताया, टू का क्यूब करते हैं तो क्या मिलता है, एट। यस, ओके, आपका आंसर आपके पास आ चुका है। मींस 502 का क्यूब जब हम करेंगे, क्यूब रूट फाइंड करेंगे, तो आंसर होगा 8। क्लियर, आगे आंसर आपने देखा और आंसर आपको मिल गया। ये तो मैंने इतनी देर आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो देखते ही आपको आंसर मिलेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया, एंजॉय कीजिए हमारे इस वीडियो का। ये है 1331, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1331। सो वी डिवाइड दिस क्वेश्चन इन टू पार्ट्स एंड नेसेसरी कंडीशन इज वन पार्ट कंटेनिंग थ्री डिजिट्स एंड अदर पार्ट्स रिमेनिंग ऑल डिजिट्स। तो हमने देखिए इसे बांट लिया, पहले पार्ट में थ्री डिजिट रख लिए और बचे हुए जितने भी डिजिट थे वो सेकेंड पार्ट में रख लिए। अब आप अच्छे से जानते हो कि वन का क्यूब करेंगे तो वन ही मिलेगा, तो वन हो गया। और सेकेंड पार्ट में देखेंगे हम कि वंस प्लेस पर क्या है, वंस प्लेस पर वन ही है, तो वन का क्यूब करेंगे तो वन ही मिलेगा। आप देख सकते हो वन का क्यूब वन, और हमें पता किसका करना है, वन का ही, तो वन, टू क्यूब लेस देन एट, एट जब बड़ा है तो हमारा आंसर वन ही हुआ। मीन्स हमें केवल इतना देखना है, वन का क्यूब वन, ओके। तो हमारा आंसर इसका कितना हो गया, 11। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रह भी गया है तो आपकी इस क्वेश्चन में पूरा हो जाएगा। चलिए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 15625। इतना बड़ा क्वेश्चन और आपका आंसर बस एक ही सेकंड में आएगा। तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट में आपका हो गया 625 और सेकेंड पार्ट में हो गया 15। ओके, अब आप देखिए कि इसको कैसे करना है, बस यही समझ लीजिए, आपका फाइनली ये ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए 15 का क्यूब 2 होगा और सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट प्लेस पर 5 रखा हुआ है, वंस प्लेस पर 5 है, तो 5 का क्यूब 5 ही होता है, तो ये आपका 5 आंसर आ गया। अब ये 2 कैसे आया इसको समझ लीजिए जरा। देखिए 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। 27 is greater than 15 and 8 is less than 15. Okay? तो जो number less है उसी का क्यूब हम तुरंत select कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 2 का क्यूब 8 है, तो हम तुरंत ये 2 select करेंगे और यही हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए इसको करना कैसे है। ये 15 का हमें रेशियो निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो हमने 15 यहाँ सेंटर पे रख लिया। अब देखते हैं कि जो नंबर्स का क्यूब हमें याद है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब तो टोटल 27 होता है। तो 27 ये 15 से बहुत ज्यादा है, लेकिन 8 ये 15 से कम है, तो हम कम वाले को हमेशा सिलेक्ट करेंगे। तो ये 8 किसका क्यूब था, 2 का, तो हम तुरंत 2 सिलेक्ट कर लेंगे और यही आपका आंसर हो गया, 2 एंड 5, दैट्स 25 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो दोस्तों आनंद लीजिए हमारे सुपर मैथमेटिक्स का। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और हमारे इस वीडियो का आप एंजॉय कीजिए। सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ए लार्ज नंबर दैट इज 5,92,704। इसका आपको आंसर चाहिए, क्यूब रूट चाहिए, और आप एक मिनट के पहले ही पहले इसका एग्जैक्ट आंसर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डिवाइड दिस गिवन नंबर इन टू पार्ट्स, that is one part containing three digit and remaining in the second part. So आप देख रहे हैं यहाँ पे केवल 6 digit है, तो 3 divide हो गया, लेकिन second part के लिए कोई valid नहीं है, कितने भी digit आप रख सकते हो, 5, 6, 7, 8 जो भी हो बचे हुए वो, लेकिन first part fix है, 3 digit रखना ही रखना है। तो देखिए first part में first place पर तो 4 रखा है, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे 4 आना है। अब 592 के लिए आपको सोचना है यहाँ क्या put करना है। तो चलिए देखते हैं 592 में क्या आएगा। आप 592 तुरंत यहाँ पे सेंटर पे लिखेंगे, ठीक है, और आपने यहाँ पे लिखा, सोचा कि ये 592 किसके नजदीक पड़ेगा, तो 8 का क्यूब होता है 512 और 8 के आगे ठीक 9 होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729। तो 729 तो 592 से बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा वाले को कभी नहीं लेंगे, चाहे वो जरा सा भी ज्यादा हो, कम वाले को लेना है। तो 592
12 किसका क्यूब है, 8 का, तो तुरंत आप यहाँ 8 पुट करेंगे, तो आपका आंसर हो गया द गिवन नंबर 5,92,704 का आंसर हो गया 84। चलिए मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17,576। चलिए इसका आपको क्यूब रूट चाहिए, बताइए आपके दिमाग में आंसर तो आ गया होगा। क्या करना है, इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, फर्स्ट पार्ट में थ्री डिजिट रखना ही रखना है, तो 576 हो गया फर्स्ट पार्ट में, बचे हुए दो डिजिट जो बचे वो आपके सेकंड पार्ट में हो गए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में जो 6 दिखा रहा है फर्स्ट प्लेस पर, तो आपको पता चल गया होगा क्या पुट करना है, 6 ही पुट करना है। अब सेकंड पार्ट में क्या पुट करना है, बस एक सेकंड लीजिए और बता दीजिए, 17 है तो 17 किसके नजदीक होगा, आपने तुरंत लिखा 17 को, ये 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 तो बहुत ज्यादा हो गया 17 से, इसे तो छोड़ ही देना है। अब बचा क्या, 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो यहाँ 2 पुट करेंगे और आपका आंसर हो गया 17,576 का आंसर हो गया 26। तो मुझे लग रहा है आपने इस वीडियो का बहुत ही एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।